श्री बाबा गरीबनाथ छात्रावास अलवर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई। गरीबनाथ छात्रावास के अध्यक्ष महेश गोठवाल ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को स्मरण करके उनके गुणों की व्याख्या भी की गई। इस मौके पर छात्रावास से रैली निकालकर अंबेडकर सर्किल पर पहुंचे, जहां अंबेडकर प्रतिमा पर 151 दीपों का दीप प्रज्वलन किया गया। आज हम मेघवाल विकास समिति की ओर से बाबा साहेब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पे जो मेघवाल विकास समिति है उसने सुबह प्रातः 9:30 बजे सभी समिति के सदस्य और छात्रावास के छात्र अंबेडकर सर्किल पर गए थे। अंबेडकर जी की प्रतिमा के समक्ष सबने पुष्प अर्पित किए, बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी और इसके पश्चात अभी हम एक विचार गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे बीच में हमारे जो आज की विचार गोष्ठी के मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर फूल सिंह सहरिया जी, जो शोध समन्वयक हैं RRBM मत्स्य यूनिवर्सिटी में, रिसर्च कोऑर्डिनेटर है, वो हमारे मुख्य वक्ता हैं। और हमारी संगोष्ठी का विषय है डॉक्टर अंबेडकर व्यक्तित्व एवं कृतित्व। तो बाबा साहब का जो व्यक्तित्व था, जो उन्होंने अथक प्रयास किए, मेहनत की और जिन प्रयासों से उन्होंने संविधान का निर्माण किया और सभी जो समाज का जो वर्ग था, ऐसा वर्ग जो अधिकारहीन वर्ग था, उसको अधिकार दिलाए, समानता का समान उनको अवसर प्रदान किए, उनके लिए उनके कृतित्व के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर फूल सिंह सहरिया जी। और इसके पश्चात हम सभी समिति के सदस्य यहाँ से चलेंगे एक रैली के रूप में और हम सब छात्रावास के सभी छात्र चलेंगे और दीपदान करके, कैंडल प्रज्वलित करके, मोमबत्तियाँ जलाकर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देंगे। आमजन के लिए बाबा साहब की पुण्यतिथि पर क्या संदेश देना चाहेंगे? आमजन के लिए हम बाबा साहेब की अगर पुण्यतिथि की बात करें तो बाबा साहेब ने का जो विजन था, जो वो देश के प्रत्येक वर्ग के पास में वो चाहते थे कि जो हमारे देश के जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, उनका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से मिलना चाहिए। जिस तरह से वोट का अधिकार सबका समान है, सबको एक ही वोट का अधिकार है, उसी तरह से देश के सभी प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्येक व्यक्ति का समान हक है। तो उसे इस क्या कहते हैं, इसमें सबका ये है कि आप सब व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें, जो बाबा साहब ने जो संघर्ष किया था। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये भी है कि बाबा साहब जिस तरह से पुस्तक प्रेमी थे और जिस तरह से वो अध्ययन मनन में निरंतर लगे रहते थे और अपने अध्ययन मनन के आधार पर वो प्रेडिक्ट कर लेते थे पहले कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो ऐसा ही अध्ययन मनन का हम जो बाबा साहब की जो रुचि थी, उस रुचि को हम अपने देश के सभी नागरिकों के बीच जागृत करें, देश के सभी विद्यार्थियों के बीच जागृत करें, कि हम एक ऐसा प्रबुद्ध भारत बना सकें जो जिसकी सोच वैज्ञानिक हो, जो वैज्ञानिक रुचि रखता हो और अंधविश्वासों से, धार्मिक आडंबरों से दूर रहकर वैज्ञानिक सोच की ओर एक प्रबुद्ध भारत का निर्माण करें। कितने दीपों से दीप सज्जा की जाएगी? हम लगभग 251 दीप प्रज्वलित करें।